भाई मैं जाके क्या फोन क्या एक एक मिनट रुको, मेरे फोन में फीड आएगा। ये देखो यहाँ पे समवन रैंग द डोर, नया गैजेट है। हाँ आपका क्या काम है? प्रोडक्ट लाया हूँ। नहीं नहीं हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, थैंक यू। तो देखा मतलब ऐसा गैजेट है कि आपको उठने की जरूरत नहीं है और जगह पे बैठ के आपको पता चलेगा कौन है। अगर आपको इग्नोर करना है तो बस यहाँ से बात करो और टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सही है ना गैजेट? सही है। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले काफी यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग गैजेट जो है स्मार्ट डोर बेल। और गाइस ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइस ये है अल्फा वाइज का स्मार्ट वीडियो डोर बेल जिसमें आपको देखने मिलता है टू वे कम्युनिकेशन और काफी बढ़िया कैमरा जिसमें आपको देखने मिलता है वाइड एंगल मोड और नॉर्मल मोड। और गाइस कई सारे और फीचर्स है, तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बट गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो गाइस आप सभी के बैंक अकाउंट में पैसा जरूर होगा और उसे आप बैंक अकाउंट में रखते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। सो गाइस आज हम बात करेंगे ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। सो गाइस ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप म्यूचुअल फंड और SIP में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर पेपर वर्क की जरूरत नहीं, बस आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल एंटर करने, दैट्स इट। और उसके बाद आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड और SIP में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और गाइस इस एप्लीकेशन की सबसे बढ़िया बात यह है कि जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड और SIP में पैसे इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे आपको कोई भी कमीशन या फिर कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप UPI पेमेंट भी यूज करते हो तो आप UPI के थ्रू भी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड और SIP में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है और इसकी हेल्प से आप काफी बढ़िया रिटर्न पा सकते हो। सो गाइस जरूर डाउनलोड कीजिए उस एप्लीकेशन को, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे बॉक्स के आगे की तरफ आपको देखने मिलता है एक्स स्मार्ट होम वायरलेस वीडियो डोरबेल और ज़्यादा कुछ भी नहीं। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसकी बैटरी लाइफ है 5 to 8 months की, 2.4 GHz वाईफाई, माइक, टू वे ऑडियो सिस्टम, PIR सेंसर और कई सारे और फीचर्स। तो यहाँ पे डोरबेल की आगे की तरफ आपको देखने मिलता है PIR सेंसर, लाइट सेंसर, माइक, लेंस, एक बटन, उसके साइड में आपको देखने मिलते हैं LED लाइट इंडिकेटर और अल्फा वाइज की ब्रांडिंग। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका मेन स्पीकर और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है microSB पोर्ट प्लस अलार्म ट्रिगर, साइड में आपको देखने मिलता है रीसेट बटन और नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है उसका बैटरी कंपार्टमेंट। सो गाइस जैसे हम ये पीछे का कंपार्टमेंट ओपन करते हैं यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका बैटरी कंपार्टमेंट जिसमें आपको इंसर्ट करनी है 2 18650 बैटरीज। तो यहाँ पे हम एक बैटरी इसमें इंसर्ट करते हैं और आप देख सकते हो जैसे मैं एक बैटरी यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ ये फिर भी टर्न ऑन हो जाता है। बट गाइस इसकी बैटरी लाइफ ज्यादा नहीं रहेगी, सो यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए 2 बैटरीज इसमें इंसर्ट कर देते हैं। सो ये है उसका ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं इसे वाईफाई के साथ। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें आपको सारे डिटेल्स, वाईफाई के डिटेल्स वगैरह एंटर करने हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको साउंड आता है और यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है। सो गाइस जैसे ये कनेक्ट होता है यहाँ पे आपको डिवाइस का नेम, पासवर्ड, कई सारे डिटेल्स एंटर करने हैं और जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे आपको जो लाइव फुटेज है, लाइव फीड है कैमरा का, वो विजिबल हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं आप देख सकते हो जो कैमरा का लाइव फुटेज है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिले नहीं देखने मिलता है, 0.3 या फिर 0.5 सेकंड का डिले ही सिर्फ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपको देखने मिलता है फुल HD रिकॉर्डिंग। प्लस गाइज यहाँ पे नीचे की तरफ आप इसकी हेल्प से इमेजेस भी क्लिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो आपको सारी परमिशन देने, दैट सेट। साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो आप देख सकते हो जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। और सेंटर में यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक का ऑप्शन। हेलो 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 हेलो। सो इसकी हेल्प से आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। प्लस गाइस इसमें स्पीकर का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। हेलो 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 हेलो। प्लस गाइस यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको देखने मिलता है वाइड एंगल मोड और नॉर्मल मोड, सो कैमरा को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे गैलरी में सारे इमेजेस और वीडियोस सेव हो जाते हैं।
प्लस गाइज यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आपको एसडी कार्ड के सेटिंग, एनवायरमेंटल सेटिंग, पीआईआर सेटिंग्स, टाइम सेटिंग्स, क्यूआर कोड वगैरह कई सारे चीज़ें, मॉडल नंबर अपडेट्स वगैरह यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। प्लस गाइज यहाँ पे हम इसे टेस्ट करते हैं और आप देख सकते हो बेल रिंग करने से पहले यहाँ पे मोशन डिटेक्टेड आ चुका है, और जैसे हम बेल रिंग करते हैं यहाँ पे आ चुका है बेल रिंग करके, और जैसे हम ऐप को ओपन करते हैं यहाँ पे लाइव फीड आपको देखने मिलता है। प्लस गाइज यहाँ पे आप फुटेज देख सकते हो, ये है वाइड एंगल फुटेज जो है फुल्ली लाइटिंग कंडीशंस में, और काफ़ी बढ़िया इसकी क्लियरिटी है, फुल एचडी में यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग देखने मिलते हैं, और गाइज आप देख सकते हो काफ़ी वाइड एंगल मोड है ये। और फिर गाइज यहाँ पे सारी लाइट्स हमने टर्न ऑफ कर दी है, और आप देख सकते हो नाइट विजन में भी काफ़ी बढ़िया और हाई क्वालिटी फुटेज यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो दोस्तों जैसे हमने देखा है स्मार्ट डोर बेल का अनबॉक्सिंग, गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके साइज के बारे में। आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट है, और गाइज इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, जो कैमरा क्वालिटी है इसकी, वीडियो क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया तरीके से वॉइस ट्रांसमिशन होता है और वॉइस रिसेप्शन भी होता है। और फिर हम बात करेंगे इसके बैटरी के बारे में। सो इसमें जो बैटरी यूज होते हैं वो है 18650 बैटरी। सो यहाँ पे 2 18650 बैटरी आपको इंसर्ट करनी है, और 2 बैटरी इंसर्ट करती है ये कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक वर्क करेगा, और 1 बैटरी पे भी ये वर्क करता है मैंने देखा था। सो 1 बैटरी पे ऑलमोस्ट 2 महीने तक ये चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 बैटरीज आप यहाँ पे यूज करें। और गाइज ओवरऑल मेरे हिसाब से तो काफी बढ़िया डिवाइस है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर बाहर से इसे कोई भी उठा के लेके जाता है तो क्या इशू होगा। सो अगर ये जो पीछे का क्लैंप है इसमें से आप इसे रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बजर रिंग होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो बजर है उसे स्टॉप करने के लिए आपको जाना है एप्लीकेशन में, और यहाँ पे क्लियरली आता है कि द इंटेलिजेंस डिवाइस हैज बीन पुल्ड ऑफ। मैं पहले इसका अलार्म बंद करता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप फोन की हेल्प से इसका अलार्म जो है बंद कर सकते हो, अगर आप खुद ही उसे पुल कर रहे हो बैटरी रिमूव करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। और आपको नोटिफिकेशन भी आता है कि किसी ने तो ये जो डोर बेल है उसे पुल किया है, प्लस आप इसमें एसडी कार्ड भी यूज कर सकते हो। सो अगर कोई भी पुल करके इसे चोरी करके लेके जाता है या फिर इसकी बैटरीज भी रिमूव कर लेता है, फिर भी आपके पास इसका फुटेज रहेगा कि किसने इसे रिमूव करके किसने इसे चोरी किया है। सो गाइज ये काफी बढ़िया मुझे इसका फंक्शन लगा, और जो भी वीडियो या फिर जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है या फिर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है विद वॉइस, मतलब ऑडियो के साथ यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स देखने मिलती है। सो गाइस ओवरऑल इस प्राइस रेंज में, मतलब 2000 रुपीज की प्राइस में काफी बढ़िया ये डोर बेल है, और अगर किसी को इस डोर बेल को परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।